हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट। आपको दिया हुआ है रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू, आपको प्रूव करना है सीकेंट ए प्लस टैन ए। तो हमें ये क्वेश्चन देखते ही पता चलते हैं इस टाइप के, जहाँ पर भी रूट दिया होता है वहाँ पर हम एक चीज़ करते हैं स्टार्टिंग में, दैट इज रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या होती है आपके पास, हम इस चीज़ के अंदर जो डिनोमिनेटर होता है उसके बीच वाली जो साइन होता है उसको चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई या उसी से ही हम डिवाइड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो दी है टर्म वो पहले एज इट इज, और ये सब मैं रूट के अंदर ही करूँगी। अब ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या है माइनस, तो यानी कि मैं इसका बीच का साइन चेंज करके इसी टर्म से मल्टीप्लाई और इसी टर्म से ही डिवाइड करती हूँ। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर मैं कैंसिल भी कर दूँ तो आपके पास यही टर्म बचती है, तो दैट मीन्स इसी को ही हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। ये हमें आगे फर्दर सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। तो अब ऊपर देखो टर्म क्या बच गई, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो गया आपके पास, ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे क्या आया, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हेयर a इज 1 एंड b इज साइन, तो 1 का स्क्वायर साइन का स्क्वायर। अब ऊपर वाली टर्म फिर से एज इट इज, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर a, कौन सी आइडेंटिटी होती है, ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यूज करें, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, कॉस एज इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस स्क्वायर ए। अब ये टर्म जब रूट से बाहर आएगी तो स्क्वायर ये कैंसिल, इसका स्क्वायर इससे कैंसिल, तो क्या आएगा आपके पास, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए, दोनों का स्क्वायर इस रूट से क्या हो चुका है, कैंसिल। अब 1 और साइन इनको हम क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। कॉस दोनों के नीचे है तो दैट मीन्स मैं 1 के नीचे भी कॉस लिख सकती हूँ और साइन के नीचे भी कॉस लिख सकती हूँ। अब 1 बाय कॉस ए, ये आपको पता है रेसिप्रोकल किसका होता है, सीकेंट ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 बाई कॉस ए को क्या लिख सकती हूँ मैं, सीकेंट ए। ऑल्सो यू नो वेरी वेल कि साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए किसका क्या होता है आपके पास, टैन ए। यही आपको प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।